आरक्षण को लेकर देश के अलग अलग कोने में आंदोलन होते रहते हैं। इसकी कई वजह हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है हिस्सेदारी, मतलब जितनी जिसकी संख्या उतना उसका आरक्षण। वहीं इस वक्त राजस्थान में आरक्षण बढ़ाने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, इसकी वजह से आंदोलन हो रहे हैं। इसलिए राजस्थान में 72% आरक्षण की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान छत्तीसगढ़ के बाद दूसरा सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाला राज्य बन जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में अभी भी 82% रिजर्वेशन है और राजस्थान में ये आंकड़ा वर्तमान में 64% है। वर्तमान में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां पर 69% रिजर्वेशन है। राजस्थान सरकार जनसंख्या को देखते हुए ओबीसी एससी और एसटी आरक्षण का दायरा 8% बढ़ाने की तैयारी में है। इसका सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी वर्ग को होने वाला है। इस वर्ग का आरक्षण 6% बढ़कर केंद्र सरकार के बराबर हो जाएगा। राजस्थान में ओबीसी में 92 जातियां शामिल हैं। इनकी जनसंख्या 55% तक बताई जा रही है। वहीं एससी व एसटी आरक्षण 1-1% बढ़ सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगली कैबिनेट मीटिंग में इस पर चर्चा की जाएगी। सहमति बनने के बाद आरक्षण का कोटा बढ़ाने की तैयारी तेज हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आरक्षण का कोटा बढ़ाने को लेकर अपनी सहमति जता दी है। बता दें कि राज्य सरकार की इस तैयारी को इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन मामला तब जोर पकड़ने लगा जब हाल ही में राजपूत, जाट, ब्राह्मण, कुमावत, आदिवासी व दलित समाज के महासम्मेलन और महापंचायत हुए। इनमें इन समाजों ने आरक्षण बढ़ाने और वंचित जातियों के लिए नई आरक्षण श्रेणियां बनाने की मांग की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में कुल आरक्षण 64% है। यदि इन मांगों को मान लिया जाता है तो कुल आरक्षण 72% हो जाएगा। राजस्थान में ओबीसी कोटा राज्य सरकार के ही हाथ में होता है। अब राज्य सरकार अपने स्तर पर इसे बढ़ाने की ताकत रखती है। यदि किसी को आपत्ति है तो वह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।